अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तानों अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बकरियां वास्ते तूत लैन आया सी, ते तूत मैं वाढ ले आया। देखो पूरा तूत छांग दिता, सिर्फ एक उत्ते छापा छड़िया मैं, ते हुण इन्हें मैं चरने च पाना है। लेकिन उस तो पहले मैनू भुख लगी, तो मैं आख चलो अंगूरों नूं वेख लईए, शायद पक गए हूँ। अगले दिन तो आया कोई नहीं पक्के हैं, हूँ वेख लेना कि पक्के ने कोई नहीं। अच्छा जी, मैं अंगूरों के कोल आ गया, तो इस बाद वेख के मैं थब्बा जोड़ के लै जाना है। आ वेखो जी, अंगूर कोई कोई बिच दाना पक गया, तो कोई कोई हाले उदा ही है। आखो जी, माशाल्लाह बड़े गुच्छे लगे ने इस वेरी, फुल बल्ला परी गई ने, लेकिन हाले कोई कोई पक्या है। अच्छा जी, हूँ इन असा ना सारे गुच्छियां उत्ते बोझियां चढ़ा देनिया ने, ताकि परिंदियां को बच सकन, नहीं तो परिंदियां ने बहुत नुकसान करना है साडे वास्ते। इन्होंने एक भी नहीं छड़ना जे जोड़ के नाल। यह जी माशाल्लाह बड़े गुच्छे लगे ने हैं, लेकिन सारे हाले कच्चे। वेखो जी, इस तरह कच्चा गुच्छा तकरीबन अद्धे किलो तो ज़्यादा है। वेखो जी गुच्छा, अच्छा जी हम चलिए थाबा बन के लै जाइए, अंगूर तो लभे कोई खाने वास्ते। अच्छा जी, तू तो थब्बा तो मैं जोड़ लिया, हूँ इन लै जाना बकरियां पाना जाके, तो कल्ले जने मैं हूँ चुकना है। मैं वड्डे वड्डे छापे वाढ़ बैठा वहाँ, ये वजनी होना है, चुकन की कोशिश करना जो चुकी गया। तो आखो जी, थब्बा तो मैं लै आंदा, छोटिया बकरियां हूँ जोड़ गई ने, हूँ वड़िया इन छाड़ देनिया, तो यह वड्डिया बकरियां हूँ इतने छाड़ देनिया ने, जो इन्हें खा लेना फिर इन्हें बांध देना। सब तो पहले काले की बारी है। वेखो इन्होंने हूँ खाना है, तां वास्ते वेखो भज के गई ने, नहीं भुख लगी है हूँ। हूँ जो तो इन्होंने पत्ते खत्म नहीं करने, इतना तो घरें इवें छुट्टियां रहनिया ने, पंजा मिनट इन्हें खत्म कर लेने ने। अच्छा जी, तुहानू भी खाएन के बच्चे नपते पैन कुरबानी दे, क्योंकि कुरबानी हूँ नेड़े आ गई इस वास्ते। तो हूँ तुहानू भी खाने के एक बाबा है जिहड़ा साडे चाकदा। आ वेखो जी, ये बाबा अंबीर है, ये 24 घंटे धुप होवे भावें छां होवे जरूर मज्जी चलांदा। माशाल्लाह वेख लो मज्जी कितनी ज़्यादा ने इहदे कोल, एक मज्झ भी इहदी आपदी कोई नहीं, सारियां इन्हें हिस्से तो लईआं होईआं ने, कोई त्रीए हिस्से ते कोई अध ते, इस तरह सांभदा ते फिर जो सू पैंदियां ने वेच के पैसे वंड लैंदे ने। सारा दिन धुप विच तकरीबन 50-60 साल बाबे की उम्र है, कला जना ना इन्हू कोई दुख दी ते ना इन्हू किसी शहर की होर परवाह। माशाल्लाह बड़ी चंगी नसल दी मज्जां ने इहदे कोल, नीली रावी दी मज्जां ने सोहनिया ते कालियां दूं। देखो जी, हुण ही धुप विच असीं हले छावें बैठे हां, ते इह धुप विच चलिंदा पिया। एक होर मज़े की गल है कि पट्ठे पुट्ठे कोई नहीं गड़दा, ना सर्दी च ना गर्मी च, इसे तरह बस चलिंदा है। देखो जी, हूँ मेरा ख्याल है उरा नहीं आता पाया, तकरीबन 20-25 मज्जा हैं, पता नहीं किले किले लै के जाता पाया। एक और इन गल मैं बड़ी नोट की है कि जो मज्जा नहीं ना रजदियाँ किसी की फसल के नाल बन्ने के नाल, आप सैर पर होकर बह जाना, तो मज्जा ने हौली हौली हेक के करके बेच वाड़ देना। तो जो किसी ने कहना कि आ बाबा वेख ला मज्झा यार वेख ला, ओह यार अबू पै गई ने, ओह मैंने पता नहीं लगा यार, ओह मैं यार इधर मेरा ध्यान थी उधर सी, बस इस तरह होना। वेख लो पता कितने जाता पाया, ये बाबा बहुत दूर दूर तक निकल जाता है, क्योंकि देखो पट्ठे तो हैं कोई नहीं, इस तरह इन्हें गुजारा करना। बाबा अंबीर है। एक और गल है, मैं लगता इन गर्मी इस वास्ते नहीं लगती, क्योंकि मैं
ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਠੱਡੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਗੁਆਢੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪ ਕੋਈ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਬਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਾਲਕ ਨਵਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨਾਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਥਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਪਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਪ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿੰਦਾ ਪਿਆ।